अगर आप साई नगरी शिरडी आते हैं तो साई के दर्शन करके मत चले जाइएगा, क्योंकि शिरडी में देखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि साई पाल के निवास में आप रंग बिरंगी मछलियाँ देख सकते हैं, रंग बिरंगी चिड़ियों को आप देख सकते हैं, उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। इसके अलावा आप एमू देख सकते हैं। आपको साई पाल के निवास में एसी रूम और नॉन एसी रूम रहने के लिए मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर पार्किंग का भी बढ़िया व्यवस्था है, खाने पीने का भी व्यवस्था है। तो सवाल है कि साई पाल के निवास पहुँचेंगे कैसे, तो साई मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और साई नगरी रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। साई मंदिर से आप शेयरिंग ऑटो से आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो जब भी शिरडी आए तो साई पाल के निवास में रंग बिरंगी मछलियों को देखना मत भूलें, रंग बिरंगी चिड़ियों को देखना मत भूलें। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। पता नहीं।
दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेजोन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।